वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मार्केट में अब आपके पास में अवेलेबल है 6 सेमेस्टर के 10 ईयर। तो आप सभी स्टूडेंट आज शिवदास, मैं रिपीट कर देता हूं, शिवदास का 10 ईयर मार्केट से ले ले मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बहुत ही मैं अभी लाया नहीं हूँ, बहुत जो है कम पेजेस के हैं, बट एग्जाम ऑरियंटेड है, वो कर लेंगे, सफिशेंट है। तो बच्चे बहुत सारे लगातार क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, सर कहाँ से पढ़े, क्या सोर्स रखे, कितना पढ़े, किन किन क्वेश्चंस को पढ़े, किस ऑर्डर में पढ़े, वो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में बने हुए थे। तो इन सभी सवाल का जवाब एक ही है कि आप शिवदास का जो 10 ईयर है, आप उस 10 ईयर को ले आइए और बस आप उस 10 ईयर को कवर कर लीजिए। ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस आपको 10 ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको सारा ही करना पड़ेगा। मैं उसमें ये नहीं कह सकता शिवदास में मैं मार्क नहीं करवाऊंगा कि आप ये कर लो शिवदास के, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही डिपेंड है, पर पूरा पेपर आपका उस पर कवर हो जाएगा, ये गारंटेड है। क्लियर है? तो यहां पर आप जो है शिवदास के 10 ईयर को आप बाय कर ले, और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस क्वेश्चन को वहां से आप करते चले। नेक्स्ट क्लास में मैं साथ साथ शिवदास के 10 ईयर भी डिस्कस करूंगा। जैसे मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा ना, पहले पूरा यूनिट खत्म करूंगा, तो इस यूनिट का मैं आपका जो है शिवदास से मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा। चलिए आप पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए आप, क्योंकि शिवदास पर डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, वहां पे क्वेश्चन आंसर होता है, उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। हाँ, लेटेस्ट एडिशन 2023 पब्लिश हो गया है आपका, वो अवेलेबल है, इजिली आपके आसपास मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, और उस कांटेक्ट नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको शायद वो होम डिलीवरी भी हो जाए, घर भी भेज दें आपको। हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, सवाल क्या है? लास्ट क्लास में सेविंग के बारे में आपने समझा, सेविंग के बारे में आप जानते हैं कि जो हमारे नेशनल इनकम होती है, मतलब कि जो मेरी आपकी हम सबकी इनकम होती है, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम होती है, उस इनकम में हम सब का सब 100% तो कंजम्पशन नहीं करते हैं, उसका एक पार्ट ही कंजम्पशन करते हैं, जो रेस्ट ऑफ पार्ट जो हमने कंजम्पशन नहीं करा वो हमारा सेविंग होता है। सेविंग के बारे में हमने समझा कि सेविंग पॉजिटिव भी हो सकता है, कि 10,000 रुपये मैंने कमाया और 10,000 और मैंने 8,000 रुपये खर्च किए, 2,000 मेरे बच गए, तो इसे पॉजिटिव सेविंग कहेंगे, 2,000 बच गए। सेविंग जीरो भी हो सकता है, 10,000 रुपये कमाया और 10,000 रुपये खर्च कर दिए, बचा ही नहीं कुछ। सेविंग नेगेटिव भी हो सकता है, 10,000 रुपये कमाए, 12,000 रुपये खर्च कर दिए, अब सोचो कि यार 2,000 रुपये कहां से एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, हो सकता है मैंने दोस्त से उधार लिए हो, तो उसको सेविंग नेगेटिव कहते हैं, हो सकता है मैंने पुरानी सेविंग में से 2,000 रुपये निकाल करके खर्च कर दिए, इसको भी सेविंग नेगेटिव कहते हैं। तो बच्चे सेविंग के पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो सेविंग कर्व का डेरिवेशन देना है आपको, आज की क्लास में सेविंग कर्व को बनाना है, लेकिन किसकी हेल्प से बनाना है, कंजम्पशन कर्व की हेल्प से बनाना है आपको सेविंग कर्व। आइए मैंने इसमें नहीं बताता हूं, मैं खुद डायग्राम बना देता हूं आपको, इससे आपके लिए इजी रहेगा। क्लियर है? हाँ जी, देखेंगे। कंजम्पशन कर्व की हेल्प से आपको क्या बनाना है, सेविंग कर्व। तो सबसे पहले कंजम्पशन कर्व बना लेते हैं हम, क्योंकि इसी की तो हम हेल्प लेंगे। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व, मतलब कि बचत वक्र आपको बनाना है, किसकी सहायता से बनाना है बचत वक्र, आपको बचत वक्र आपको बनाना है उपभोग वक्र की सहायता से। तो उपभोग वक्र बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले 45 डिग्री पर, जहां पर भी कंजम्पशन कर्व होता है ना, वहीं पर आप जो है अपना नेशनल इनकम का बना सकते हैं। कंजम्पशन कर्व की बात करते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा कंजम्पशन कर्व, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कंजम्पशन कर्व के बारे में, कुछ इस तरीके से रहने वाला है कंजम्पशन कर्व। क्लियर है? मार्क कर दें, ये मेरा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मेरे जो है नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेवल,
नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा जो है कंजम्पशन कर्व को बता रहा है। ये मेरा कंजम्पशन कर्व के बारे में बताता है। अब यहां पर मेरे पास में नेशनल इनकम वाई या फिर आप इसको एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं बराबर होता है और मेरा कंजम्पशन कर्व ये रहा। तो क्या है कि कंजम्पशन कर्व की हेल्प लेकर करके आप क्या बनाएंगे, आप सेविंग कर्व पर डेरिवेशन देंगे। तो सबसे पहले कंजम्पशन कर्व के बारे में कुछ बात आप जान लीजिए समझ लीजिए। मुझे एक बात बताओ कि कंजम्पशन कर्व जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, इसलिए क्योंकि यहां पर जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब होता है कि कंजम्पशन का एक लेवल आप जीरो बता रहे हैं जबकि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इवन आपके इनकम जीरो हो तब भी आप कुछ ना कुछ आप कंजम्पशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन में हम बैठ गए थे ना घर पे, आप भी बैठ गए थे, आपके डैडी घर पे बैठ गए थे, उस महीने कोई तनख्वाह भी नहीं आई, इनकम जीरो हो गया। हमारे देश में लगभग लगभग इनकम का ऐसे कुछ स्तर रहा, तो उस समय भी कुछ कंजम्पशन कर रहे थे, चाहे वो आपने उधार लिया हो या फिर आपने पुरानी सेविंग को यूज किया हुआ हो। तो जीरो इनकम लेवल पर जो भी आप कंजम्पशन करते हो उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं हिंदी में इसको, हम इसको हम सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है जी, जीरो इनकम के लेवल पे। तो ये मेरे पास में हो गया। अब मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं सेविंग कर्व। अब बच्चे सेविंग कर्व, आपको पता है कि सेविंग कर्व मैं जब बना रहा हूं तो सेविंग कर्व जो है मैं सेविंग कर्व बना रहा हूं बच्चे, तो सेविंग कर्व जो सेविंग है वो जीरो से क्या, वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है। नेगेटिव भी हो सकता है भाई, पर आप एक ग्राफ के बारे में अच्छे से चीजों को समझते हैं क्या, कि ग्राफ में ओरिजन होता है, उस ओरिजन से ऊपर सारा पॉजिटिव होता है, उस ओरिजन से नीचे सारा नेगेटिव होता है, और ये आपका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। क्लियर है जी, ये वाई डैश होता है और यहां पर मैं वही नेशनल इनकम के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नेशनल इनकम। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट? और यहां पर मैं जो है आपका सेविंग कर्व, ये अब आप यहां पर देखें कि सबसे पहले मुझे एक बार बताओ जो ओ सी बार है, जो लेवल है ओ सी बार किस बात किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन। ये बता रहा है कि जीरो इनकम है तब भी आप कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन कर ही रहे हैं, उसके बाद इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन का लेवल भी धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो ये ओ सी बार आपके ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। और आप दूसरी बात आप ये भी समझिएगा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन करते हैं वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, और वो ऑटोनोमस कंजम्पशन आपका मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको ये बताता है कि इस समय आपकी सेविंग नेगेटिव है, क्योंकि आपके जब आय ही नहीं हुई तो सेविंग कहां से हो जाएगी, और आप उसके बावजूद ही कंजम्पशन कर रहे हैं, या तो आप उधार ले रहे हैं या तो अपनी पुरानी सेविंग को आप खर्च रहे हैं। तो इसीलिए आपके जीरो इनकम लेवल पर जितना आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन करा उतना ही ठीक आपका सेविंग नेगेटिव चला जाएगा। क्लियर है जी, बात समझे। जितना आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन करा ये आपके पास में पहला पॉइंट होगा सेविंग कर्व का, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको आप, एग्जैक्टली आप मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कुछ भी सी माइनस सी बार सी डैश ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है जी। तो आप इसको, चलिए आप इसको एस नाम दे देते हैं, ये क्लियर है। यहां पर आपके नेगेटिव सेविंग को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। दूसरी बात आप ये भी समझते हैं क्या कि जहां पर आप इस बात को भी समझते हैं कि जिस लेवल पर यहां पर क्या है, आप समझिएगा आपके ये क्या बता रहा है कि आपका कंजम्पशन, आपका लेवल बता रहा है आपका कंजम्पशन का लेवल क्या है, दिस पर है ना, और यहां पर आपका इनकम का लेवल बता रहा है। अब बताइए जरा, इनकम का लेवल है आपका जो कंजम्पशन का लेवल है दोनों क्या है, इक्वली है ना।
इस पॉइंट पर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको नेशनल इनकम पता लगता है क्या लेवल है, यहां पर आएंगे तो आपको आपका कंजम्पशन पता लगता है, कंजम्पशन अगर वो टच करने तो यहां पर आपका नेशनल इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट, क्लियर है? तो यहां पर आपके पास में कंजम्पशन और आपके पास में इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट नाम दे देता हूं मैं इसको, चलो कंजम्पशन और आपके पास में इनकम का लेवल बराबर है यहां पर। तो भैया जितना कमाया आपने उतना तो खर्ची कर दिया, क्योंकि आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर आपका ये इनकम है, कंजम्पशन का भी लेवल आपका यही बना हुआ है, दोनों इक्वल ही है। तो इसका मतलब सेविंग क्या होगी, सेविंग जीरो होगी। तो एक आपके पास में एक पॉइंट ये हो गया, इसका नाम आप एस दे रहे हैं, इसका नाम आप बी दे दो, क्योंकि जहां पर कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो जाएगा वहां पर सेविंग क्या होगी, जीरो। जितना कमाया उतना खर्च हुआ तो बचा है क्या, जीरो बस। और उसके बाद आप देखेंगे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करके आपको आगे तक लेके जाना है। पॉइंटों को कनेक्ट कर दीजिए, आप अपने मनपसंद का इसमें रंग भर दीजिए। चलिए ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, तो यही मेरा क्या है, यही मेरा जो है सेविंग कर्व हो गया, क्लियर है? और ये जो पी पॉइंट है ये बताता है कि यहां पर मेरा एपीसी, सॉरी, मतलब कि कंजम्पशन और डिवाइडेड बाय इनकम दोनों बराबर है, तो मतलब कि यहाँ पर वैल्यू क्या है मेरी, वन है। इसके बाद देखेंगे अगर आप, तो आपकी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, आप देखेंगे तो ये आपके जो है कंजम्पशन का लेवल है और इनकम का लेवल इससे ज्यादा है, तो सेविंग हो रही है, तो इसके बाद सेविंग हो रही है पॉजिटिव, तो आगे सेविंग पॉजिटिव होते हुए नजर आपको आ रही है। तो ये डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व हो गया विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व हो गया, क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर आपसे क्या कहता है, सी सी इज द कंजम्पशन कर्व एंड 45 डिग्री लाइन ओ वाई रिप्रेजेंट्स द इनकम कर्व, मेरे डायग्राम में जो बता दो, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार इज इक्वल टू द ओसी एंड इट मीन्स द सेविंग एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम विल ओ एस माइनस सी, सेविंग क्या हो जाएगा माइनस सी। एज द रिजल्ट द गिवन द सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस ऑन द नेगेटिव कंजम्पशन कर्व सी सी इंटरसेक्ट इनकम कर्व ओ वाई एट पॉइंट ई, दिस द ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट ई कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम। और यहां पर आपके पास में एपीसी होगा, एआरसी नहीं, एपीसी, एपीसी इज इक्वल टू वन एंड सेविंग इज जीरो। इट मीन्स सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट आर बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एस एंड आर, बस इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने तो आपके पास में ये कर्व आ गया, क्लियर है? बात समझ में आपको आया, कोई डाउट? देखिएगा अब आपके पास में क्या होता है, हाँ जी देखें जरा, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस द इन्वेस्टमेंट वर्सेस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखिए दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ द न्यू कैपिटल एसेट्स, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द एसेट्स लाइक मशीनरी बिल्डिंग इक्विपमेंट्स रॉ मटेरियल एटसेट्रा विच लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि पहले ही आपने क्लासेस देखी थी कि आपके पहले क्लासेस जनरली एक व्हाइट बोर्ड पर हम पढ़ाते थे मार्कर से, तो उसके बाद हमने क्या करा, कैपिटल चीजें में हमने पैसा लगाया, जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, क्लियर है? उसके बाद एक और कैमरा लेकर के आए, एक और स्टूडियो बनाया, तो ये हमारे पास पे क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे आप लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट्स आप डेवलप करते हैं, मतलब कैपिटल चीजों में आप पैसा लगाते हैं, उससे आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी पहले से ज्यादा
हो जाती है, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन एक हमारा क्या होता है, एक हमारा ये इन्वेस्टमेंट हो गया और एक हमारा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कई बार इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन रहती है, जैसे कि पाकिस्तान के मैं बार बार एग्जाम्पल लेता हूँ, तो वो अभी बहुत बड़े एग्जाम्पल है मेरे लिए, तो क्योंकि इसमें जो चीजें चल रही हैं आपको समझाने के लिए काफी आसान रहेगा मुझे। तो बच्चे मैं यहां पर बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की, तो पाकिस्तान में इस समय ना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है उस स्तर का। पाकिस्तान में इस समय जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्टिविटी के लिए बाकी रिसोर्स कैपिटल भी अवेलेबल नहीं है वहां पर, तो कैसे वहां पे चीजें की जाए। तो पाकिस्तान को एक जैसे कि पाकिस्तान जा रहा है पैसे मांग करके ला रहा है किसी से कि भैया हमें पैसा दे दो, चाहे वो सऊदी अरब हो गया या कोई भी अदर एक्स वाई जेड कंट्री हो गई, मिडल ईस्ट कंट्री हो गई, दुबई हो गई, उनसे वो हेल्प मांग रहा है कि हमें एक पैकेज दे दो, हमें 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का एक पैकेज दे दो, जिससे कि वो उस पैसे को क्या करेगी, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस इन्वेस्टमेंट को एक तो होता है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का होना। अब मैंने यहाँ पर जो अपना स्मार्ट बोर्ड लगाया मुझे किसी सरकार ने नहीं बोला, ना तो मुझे किसी इकोनॉमी की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शंस था, मैं अपना खुद का डेवलपमेंट करना चाह रहा था, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा था, मैंने लगा लिया, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करके अपनी तरफ से पैसा लगाती है इकोनॉमी को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, रोजगार का स्तर बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा आपके पास में, दिस वन, वो एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट होता है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। द लेवल ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द सोशल इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री, सो सच इन्वेस्टमेंट चेंज व्हेन देयर इज द चेंज इन द टेक्नोलॉजी और डिस्कवरी ऑफ द न्यू रिसोर्सेज और ग्रोथ द पॉपुलेशन एटसेट्रा। देखिएगा यहां पर पहले क्लियर कर लीजिए, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट लगाती है अपनी तरफ से, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैंने वहां पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो कि मैं लगा रहा हूं, जैसे मैंने खुद इंडिविजुअल लेवल पे लगाया, इट्स ड्राइव बाय द प्रॉफिट मोटिव। देखिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, इट डन फॉर द सोशल वेलफेयर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, जो कि ऑटोनोमस कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। इट इज द इनकम इलास्टिक, इंक्रीज इन द इनकम लेवल ऑफ रेज इट्स लेवल, इट्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम लेवल। तो खैर आपके पास में ये बट इस पे जाने की नीड नहीं है, आप सीधा इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है आपके पास में, देखिएगा अभी क्लोज इकोनॉमी मॉडल है, ध्यान से आप यहां पर आ जाइए, देखिए जी, हाँ जी, अब इस पर आएंगे आप। एक अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन मतलब कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन है, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन, 200 प्लस 0.75 y, और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका i, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी बोलेंगे इसको आप, 500 करोड़। एंड आपसे क्या पूछ रहा है यहां पर, जीडीपी पूछ रहा है, जीडीपी मींस क्या होता है, नेशनल इनकम बेसिकली, अभी आप कह सकते हो इट मीन्स आपसे जीडीपी मतलब आपसे नेशनल इनकम मतलब आपसे वाई पूछ रहा है, ये सवाल है। अभी आप क्लोज इकोनॉमी मॉडल में हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट आएगा, फॉरेन अभी चीजें आएंगी, वो अगले धीरे धीरे अभी आते चले जाएंगे, फॉर्मूला में चीजें मैं एडिशन करता जाऊंगा, पर पहले बेसिक फॉर्मूला बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिएगा आप कि क्या है। एक बात तो आप हमेशा समझिएगा और अपने जीवन में आप इस बात को उतार लीजिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आए जहाँ कंजम्पशन फंक्शन दे, तो आप एक चीज को हमेशा समझते हैं कि क्या होता है, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, आपको पढ़ाया था मैंने, याद है आपको, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू दिस, ये याद है आपको, ये वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, ये बात समझ में आपको आई या नहीं, बताइए जरा, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस मतलब कि जितना मैंने कंजम्पशन करा और जो मैंने सेविंग कर लिया, दोनों को मिला दूं ऐड कर दूं तो पता लग जाएगा मेरी इनकम कितनी है। भैया 8,000 रुपये खा लिया, 2,000 बचा लिया, बताओ मेरी इनकम कितनी है, 10,000 रुपये। तो इंक्रेशन इनकम का फॉर्मूला मेरे पास में ये रहता है, तो यहीं पर मैं पहले सबसे पहले इस केस में फॉर्मूला लगाऊंगा, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। खैर इसके बारे में मैं बता दूं उसमें क्या चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, नीड नहीं है, फिर बता देता हूं मैं आपको। ये जो 200 देख रहे हो ना आप, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज, सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है आपका, ठीक है, कि 200 तो कंजम्पशन होगा ही होगा, चाहे इनकम हो या ना हो। 0.75 वाई बेसिकली आपको किसको रिप्रेजेंट करता है,
0.75, ये बेसिकली बच्चे आपके रिप्रेजेंट करता है एमपीसी को, ठीक है जी, एमपीसी को। एमपीसी का मतलब ये हो गया, अगर इनकम में चेंज हुआ तो उसका 75% कंजम्पशन में ट्रांसफर होगा, इनकम में जो आएगा बदलाव, इनकम का 75% कंजम्पशन में चला जाएगा, एमपीसी को बताता है ये, ठीक है। तो आइए, खैर इसकी नीड नहीं थी अभी आपको, बट फिर भी आपको समझना चाहिए कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, तो मैंने दोनों के बारे में बता दिया। वाई सी कंजम्पशन, तो कंजम्पशन क्या है मेरे पास में, 200 प्लस 0.75 वाई, ये है, क्लियर है। और प्लस एस, आपको पता है कि एक एक बैलेंस इकोनॉमी में, मतलब कि एक संतुलित अर्थव्यवस्था में, हमेशा ध्यान रखिएगा जितनी हमारी सेविंग होती है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हमारे अर्थव्यवस्था में एक बैलेंस इकोनॉमी उसी को कहते हैं जहां पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होता है। मैं अभी इसके ऊपर थ्योरी भी मैं आपको करवाऊंगा, दो चीजें बताऊंगा मैं कि संतुलित नेशनल इनकम क्या होता है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होता है, ये बात मैं आपको बताऊंगा, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के प्रस्पेक्टिव से भी बताऊंगा मैं आपको, और यहां पर मैं आपको जो है कंजम्पशन और नेशनल इनकम के भी प्रस्पेक्टिव से बताऊंगा। तो एक टॉपिक हमारा रहता है, टॉपिक का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, क्लियर है, संतुलन राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो उस टॉपिक पर आऊंगा, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक आप ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, संतुलित जीडीपी, तो संतुलित जीडीपी जब ही होता है जब आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एस हो जाता है, तभी हमारा जीडीपी क्या होता है, संतुलित होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर मेरे पास में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, मेरे पास में इन्वेस्टमेंट 500 है, तो जो कि किसके इक्वल होगा, एस के, ठीक है। सॉल्व अगर आप यहां पर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको उठा के वाई से वाई माइनस करेंगे तो 0.25 वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 700, क्लियर है जी। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट यहां से हट जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा तो 20 यहां आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आप यहां से तो 25 दूनी 50, और यहां पर सीधा सीधा चला गया आपके पास में क्या, 20 चला गया, तो 25 अट्ठे, तो भैया 2800 करोड़ हो गया ना, क्लियर है, आपका नेशनल इनकम संतुलित जीडीपी कितना हुआ आपका, 2800 करोड़ हो गया, बात समझे।